दोस्तों आमिर खान की साल 2019 में कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई। बता दें कि पिछले साल रिलीज हुई ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फ्लॉप रही और इसके बाद आमिर खान ने कोई फिल्म साइन नहीं की थी। बट जल्दी इनकी एक लाल सिंह सिड्डा मूवी आने वाली है। दोस्तों इसके बारे में 7 अमेजिंग फैक्ट है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। नंबर 1, लाल सिंह सिड्डा साल 1994 में रिलीज हुई हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म फॉरेस्ट गम की ऑफिशियल रीमेक है। इस फिल्म में टॉम हैंक्स ने लीड किरदार निभाया था। इस फिल्म को उस साल कई अवार्ड्स भी मिले थे। नंबर 2, आमिर खान ने 14 मार्च 2019 को अपने 54वें जन्मदिन पर लाल सिंह चड्ढा की अनाउंसमेंट की थी। नंबर 3, लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान, करीना कपूर खान, योगी बाबू, विवेक मुथरान और मानव गोहिल और मानव विज मुख्य भूमिका में है। एंड 4th, यह आमिर खान के साथ करीना कपूर की तीसरी फिल्म है। इससे पहले ये दोनों थ्री इडियट्स और तलाश में एक साथ नजर आ चुके हैं। नंबर 5, साल 2006 में रंग दे बसंती की शूटिंग के समय अतुल कुलकर्णी ने निर्माताओं को आमिर खान की 7 लाल सिंह चड्ढा को बनाने का आइडिया दिया था। नंबर 6, लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग 100 अलग अलग शहरों में की गई थी। एंड नंबर 7, साल 1994 में बॉलीवुड डायरेक्टर कुंदन शाह ने फॉरेस्ट गम का रीमेक बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने इस फिल्म के लिए अनिल कपूर को भी साइन किया था बट उन्होंने मना कर दिया। एंड इसके बाद कुंदन शाह ने शाहरुख खान को भी साइन किया बट उन्होंने भी मना कर दिया और फिर संजय दत्त से भी बात की लेकिन उनके कोर्ट केस की वजह से इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। आखिरकार निर्माताओं को ये फिल्म बंद करनी पड़ी थी बट अब लाल सिंह चड्ढा मूवी बन चुकी है और अब ये जल्दी 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। क्या गाइस आप मूवी देखना चाहेंगे? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।